एमीबा हिस्टोलिटिका के जीवन चक्र का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका की खोज लैम्बल नामक वैज्ञानिक ने 1859 ईस्वी में किया था। इसकी रोगजनकता का पता लॉस ने 1875 में लगाया था। लॉस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि यह रोग उत्पन्न करता है। यह मनुष्य एवं अन्य प्राइमेट्स स्तनधारियों की आंत में पाया जाता है। मानव के परजीवियों में यह अतिसार अमीबा डायसेंट्री अमीबी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके संक्रमण से पेचिस या अतिसार, जिसे अमीबाइसिस नामक रोग कहते हैं, यह रोग हो जाता है। इस रोग में दस्त के साथ घाव निकलता है। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका के आवास आकृति एवं संरचना का अध्ययन करेंगे। हैबिटेट फॉर्म एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। इसके वयस्क को ट्रोफोजॉइट कहते हैं या मैग्ना फॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। पोषद जिस पर यह अटैक करता है, क्योंकि यह एक पोषदी जंतु होता है जो मानव की बड़ी आंत के अग्रभाग, जिसे कोलन कहते हैं, कोलन में पाया जाता है। इनका शरीर अंडाकार लगभग 20 से 30 म्यू व्यास का होता है। इसके शरीर पर प्लाज्मा लेमा का आवरण पाया जाता है और कोशिका द्रव्य इक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है, लेकिन स्यूडोपोडिया या पादाब केवल इक्टोप्लाज्म, जो बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य होता है, उसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसके इंडोप्लाज्म में एक गोल केंद्रक तथा कई खाद्य धानियां फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन संकुचनशील रिक्तिकाएं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का इनमें अभाव होता है। माइटोकांड्रिया व अन्य कोशिकांग भी इनमें अनुपस्थित होते हैं। पेचिस रोग की रोगजनकता, पैथोजेनेसिस ऑफ अमीबाइसिस। संक्रमण द्वारा आंत में पहुंचकर ट्रोफोजॉइट प्रोटीन पाचक एंजाइम्स के श्रावण से आंत की दीवार में विघटनकारी प्रभाव डालता है और श्लेष्मिका की कुछ रुधिर केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज फट जाती हैं और ट्रोफोजॉइट आंतरी दीवार में घुसकर लाल रुधिराणुओं का पोषण करता है। इसका पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। आंत में ये बारंबार बाइनरी फ्यूजन द्वारा, द्विविभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और पोषद की आंत काफ़ी घायल हो जाती है और इस घायल आंत से छोटी छोटी फुंसियां अथवा नासूर, अल्सर बन जाते हैं। नासूरों से आव, जिसे म्यूकस कहते हैं, पस, मवाद एवं रक्त, ब्लड रिस कर निकलने लगता है, जो पेचिस रोग का कारण होता है। आव पड़ने के बाद आंत में ऐंठन व मरोड़ व पीड़ा उत्पन्न होती है और यह पीड़ा बहुत ही कष्टदायक होती है। इसे ही अमीबी पेचिस या अमीबी डायसेंट्री कहते हैं। घावों में जीवाणु पनपकर रोग को और अधिक गंभीर बना देते हैं, जिसके कारण कभी कभी पस बनने लगता है। प्रायः आंत की दीवार में आर पार छिद्र भी हो जाते हैं। रुधिर के साथ ट्रोफोजॉइट अन्य अंगों, यकृत, फेफड़ों, मस्तिष्क इत्यादि में पहुंचकर इन्हें घायल कर देते हैं और हानिकारक प्रभाव भी डाल सकते हैं। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। यह एक पोषदीय परजीवी होता है, जीव होता है, जिसे मोनोजेनेटिक कहते हैं। इसका प्राथमिक पोषद मनुष्य होता है। इसमें द्विविभाजन या बाइनरी फिशन की अपार क्षमता होती है। यह द्विविभाजन के बाद ट्रोफोजॉइट बनाते हैं, जो वृद्धि करने के बजाय
नासुरों में वापस आंत की गुहा में पहुंच जाते हैं। ये सामान्य वयस्क ट्रोपोजॉइड से छोटे होते हैं, लगभग 12 से 15 म्यू व्यास के होते हैं। इन्हें लघु अमीबी या माइनूट प्रीसिस्टिक अमीबी कहते हैं। प्रीसिस्टिक अमीबी ग्लाइकोजन कणों एवं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने क्रोमेटॉइड बॉडीज के रूप में कुछ पोषक पदार्थ संचित करके गोल हो जाता है, जिसमें सिंगल केंद्रक होता है और इनमें सिस्ट अनुपस्थित होता है। अब प्रत्येक प्रीसिस्टिक अमीबी अपने चारों ओर एक सुदृढ़ आवरण बना लेती है, जिसे पुट्टी या सिस्ट कहते हैं। यह सिस्ट बाहरी वातावरण से इस अमीबे की सुरक्षा करती है। परिकोष्ठित अमीबा या इनसिस्टेड अमीबी का केंद्रक समसूत्रण विभाजन द्वारा चार पुत्री केंद्रकों में बढ़ जाता है, अर्थात प्रीसिस्टिक अमीबी एक केंद्रक से कुल चार केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। इन्हें चौक केंद्र की पुट्टियां या क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट कहते हैं। अब चौक केंद्र की पुट्टी क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट एंटमीबा की संक्रामक अवस्था कहलाती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। यह गंदे भोजन व जल के साथ जब किसी स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं, तब सिस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो गल जाती है और चौक केंद्र की अमीबा मुक्त हो जाता है। यह मेटासिस्टिक अमीबा द्विविभाजनों द्वारा पुनः 8 छोटी छोटी अमीबी में बढ़ जाता है, सो वृद्धि करके सामान्य वयस्क ट्रोपोजॉइड बन जाती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे। ट्रोपोजॉइड जो स्टेज होती है इसकी, ये संक्रामक होती है। इसमें छोटा सा स्यूडोपोडिया होता है और कुछ इंगेस्टेड फूड वैक्यूल्स होती हैं। ट्रोपोजॉइड बाइनरी फ्यूजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है और प्रीसिस्टिक फॉर्म का अमीबा बना लेता है, जिसमें एक सिंगल केंद्रक होता है। प्रीसिस्टिक अमीबी के चारों ओर एक सिस्ट या प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक आवरण बन जाती है, जिसे सिस्ट कहते हैं, और क्रोमेटॉइड बॉडी का निर्माण होता है। इस सिस्ट का एक केंद्रक पुनः द्वि केंद्रकीय सिस्ट का निर्माण करता है और पुनः दो केंद्रकीय सिस्ट क्वाड्री न्यूक्लियेट या चार केंद्रक वाली पुट्टी का निर्माण करता है। अब यह संक्रमण फैलाने के योग्य हो जाती है और जब किसी होस्ट में मानव के आंत में पहुंचती है तो इंसिस्टमेंट के द्वारा इसकी पुट्टी गल जाती है और यह अमीबा बाहर निकल जाता है, जिसे मेटासिस्टिक अमीबा कहते हैं। मेटासिस्टिक अमीबा कुछ पोषण प्राप्त करके लंबा हो जाता है और पुनः बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 8 अमीबुली का निर्माण करता है और ये 8 अमीबुली पुनः डेवलप करके ट्रोपोजॉइड का निर्माण कर लेते हैं। आमा अतिसार की रोकथाम एवं चिकित्सा, प्रिवेंशन एंड थेरेपी ऑफ डायसेंट्री। संक्रमित व्यक्ति के मल द्वारा इस रोग का प्रसारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। गर्म देशों में इस रोग का प्रसारण ठंडे देशों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसके संक्रमण से बचाव के उपाय, आमा अतिसार के संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सबसे प्रभावशाली सिद्ध होती है। खाद्य वस्तुओं और बर्तनों को साफ सुथरा रखना, नियमित रूप से नाखूनों को काटना, भोजन करने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धो लेना, उबला हुआ जल का सेवन करना, भोजन को मक्खियों से बचाने हेतु ढककर रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तो इसका संक्रमण हो जाएगा। आमा अतिसार का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ अमीबाइसिस।
पेचिस रोग के उपचार हेतु एमेटीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। खाने के लिए दी जाने वाली दवाओं में कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के साथ अन्य दवाएं दी जाती हैं जो इस रोग के रोकथाम में कारगर सिद्ध हुई हैं। फ्यूमेजिलिन, डिपेंडालियम, ट्राईडेजोल, ह्यूमेटिन, मेट्रोजिल और मेट्रानिराजोल प्रमुख रूप से दवाएं इसके उपचार में दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त क्लोरोक्वीन और इंट्राक्यूनाल ज़्यादा संक्रमण की अवस्था में इन्हें दिया जाता है। इस रोग से बचने का तीसरा उपाय है परिकोष्ठित अमीबा का विनाश सामाजिक स्वच्छता के माध्यम से। सोशल पब्लिक सैनिटाइजेशन नियमों के पालन द्वारा इस रोग से बचा जा सकता है। सैनिटाइजर का यूज़ किया जा सकता है। मल और गंदे जल को बस्ती से दूर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की समुचित स्वच्छता, सड़कों व नालियों की नियमित सफाई, बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की स्वच्छता का उचित प्रबंधन द्वारा संक्रमण से बचा जा सकता है। छोटे बच्चों में हाथ धोने की आदत डालना, विद्यालय में स्वच्छता के नियमों के पालन बच्चों द्वारा कराया जाना परिकोषित अमीबा के विनाश में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के परजीवी अमीबा को एंटमीबा जिंजिवेलिस कहते हैं। इसके ट्रोफोजोआइट कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, बंदरों आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से भी अधिक मनुष्यों की दांतों की जड़ों के मैल तथा फूले हुए मसूड़ों और टॉन्सिल्स की पस थैलियों में पाए जाते हैं। ये गोल आकार के 12 से 20 म्यू व्यास के होते हैं। इनमें दो या तीन पादाब या सीडोपोडिया पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य साफ एक्टोप्लाज्म में एक केंद्रक और कई खाद्य धानियाँ होती हैं। दांतों के मैल के जीवाणु तथा मसूड़ों के रुधिर केशिकाओं की श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसिल्स इनका भोजन होती है। लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा जिंजिवेलिस। इसके जीवन चक्र में परिकोष्ठित अवस्था इंसिस्टेंट स्टेज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके ट्रोफोजोआइट एक दूसरे मनुष्य में चुंबन के द्वारा, किसिंग के द्वारा डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, इसलिए इसमें पुट्टी नहीं पाई जाती। यह एंटमीबा प्रायः पायरिया रोग से ग्रसित लोगों के मुख में अधिक पाया जाता है। चूँकि पायरिया रोग के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण एंटमीबा जिंजिवेलिस होता है। इस रोग में दांतों और मसूड़ों से बहुत बेकार बदबू आती है। इसके उपचार में दवा के कुल्ले किए जाते हैं ताकि मुख गुहिका साफ रहे। अतः इस रोग से बचने हेतु चुंबन इत्यादि को संक्रमित व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रकार का अमीबा एंटमीबा कोलाई होता है, जो सबसे अलग होता है। इसके ट्रोफोजोआइट लगभग 50% लोगों की बड़ी आंत के कोलन भाग में पाए जाते हैं। इनका व्यास 20 से 50 म्यू होता है। इनकी कोशिका द्रव्य में एक्टोप्लाज्म व इंडोप्लाज्म स्पष्ट विभेदित नहीं होता, अर्थात स्पष्ट रूप से एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म इनमें नहीं पाए जाते। केंद्रक स्पष्ट होता है और इनके स्यूडोपोडिया या पदार्थ छोटे व कणिका में होते हैं। इनमें खाद्य धानियाँ या फूड वैक्यूल्स संख्या में अधिक होती हैं। एंटमीबा कोलाई सहभोजिता का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एंटमीबा कोलाई के ट्रोफोजोआइट मानव की आंत में आक्रमण करने के बजाय इनकी गुहा में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं।
अतः पोषद को कोई हानि व लाभ नहीं होता। ऐसे साचर को सहभोजता या कम्युनलिज्म कहते हैं। एंटमीबा कोलाई में अष्ट केंद्रकीय कोष्ठ एट न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें क्रोमेटाइड बॉडीज की संख्या कम होती है।